चाणक्य नीति सातवां अध्याय। नमस्कार मित्रों, मैं रामावतार आपका स्वागत करता हूँ। आज हम चाणक्य नीति के सातवें अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख बातें ये हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपने धन का नाश, मन का संताप, पत्नी का गलत आचरण, नीच लोगों के वचन और अपना अपमान। धन धान्य के व्यापार में, ज्ञानार्जन में, खाने और काम धंधा करने में जो लज्जा महसूस नहीं करता, वो सुखी हो जाता है। जिस सुख और शांति का अनुभव संतोष प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव धन के लोभ में इधर उधर भटकने से नहीं होता है। समय की पत्नी, ईमानदारी से कमाए भोजन और धन से मनुष्य को संतुष्ट होना चाहिए। अध्ययन, ईश्वर स्मरण और दान को कर्तव्य समझकर करते रहें, इनसे कभी भी संतुष्ट न हो। ब्राह्मण और अग्नि के, पति और पत्नी के, स्वामी और सेवक के, हल और बैल के बीच में नहीं जाना चाहिए। आग गुरु और ब्राह्मण को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। उसी प्रकार कुमारी, गाय, वृद्ध और शिशु को पैर से नहीं छूना चाहिए। गाड़ी से 5 हाथ लगभग 8.75 फुट, घोड़े से 10 हाथ लगभग 17.5 फुट, हाथी से 1000 हाथ लगभग 17,500 फुट दूर रहना चाहिए और दुर्जन के लिए तो देश ही त्याग देना चाहिए। हाथी को अंकुश से, घोड़े को हाथ से थपथपा के, सींग वाले जानवर को डंडा दिखा के और दुर्जन को तलवार से वश में करें। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गर्जना से साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपता देखकर। शक्तिशाली शत्रु से उसकी बात मानकर समझौता करें, कमजोर शत्रु का प्रतिकार करें और बराबर के शत्रु से समझौता विनम्रता या कठोरता से करें। राजा की शक्ति उसका बाहुबल है, ब्राह्मण की शक्ति उसकी विद्वता है और स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तारुण्य और मीठे वचनों में है। अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहें। आप यदि वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे थे काट लिए गए, जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो खड़े हैं। हंस वहाँ रहते हैं जहाँ पानी होता है, पानी सूखने पर वे उस स्थान को छोड़ देते हैं। आदमी को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, छोड़ना और बार बार आश्रय लेना। संचित धन खर्च करने से बढ़ता है। पुराने स्थिर जल को उपयोगी काम में ले लिया जाए तो तालाब ताजा जल से भर जाता है। जिसके पास धन है उसी के पास मित्र है, जिसके पास धन है उसी के पास बंधु है। जिसके पास धन है वही पुरुष गिना जाता है और जिसके पास धन है वही जीवित है। स्वर्ग से धरती पर आने वालों में ये 4 गुण पाए जाते हैं: दान का स्वभाव, मधुर वचन, ईश्वर की पूजा और ब्राह्मणों की आवश्यकता पूर्ति कर उन्हें संतुष्ट करना। अत्यधिक क्रोध, कठोर वचन, दरिद्रता, अपनों से बैर, नीच की संगत और कुलहीन की सेवा, ये गुण नरक वासियों में होते हैं। यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है। यदि आप गिद्धड़ के घर जाते हैं तो बछड़े की पूंछ या गधे की खाल मिलेगी। अशिक्षित का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो गुप्तांगों को ढांप नहीं सकती है, मक्खी मच्छर को उड़ा नहीं सकती है। यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपके वचन, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है,
लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। वीडियो देखने का समय निकाला, आपका बहुत ही धन्यवाद। आपकी टिप्पणी की प्रतीक्षा में।